कम से कम 150 करोड़ का घपला है डीडीसीए में हुआ हुआ, और अभी हमें दूसरे कागज़ मिले से पता लगा है कि इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो पीएससी हुए कम करके काम करके चली गई है, लेकिन अभी भी लगभग 125 करोड़ के टॉयलेट्स के पैसे लगे हैं। मोंटेक्सी आलूवालिया जी के यहाँ 2 टॉयलेट 40 लाख में बने थे, डीडीसीए में 10 बने हैं 125 करोड़ के। तो वो सारी चीज़ें हेरा फेरी वाली हैं। फिर उसके बाद मेंबर्स रजिस्टर है 150-151 में, 160 जो जनरल एजीएम और इलेक्शंस होते हैं, और वायलेशन पिछले 20 सालों से एजीएम में होते आ रहे हैं। इन सब विषयों पे हमने रखा है। और क्रिकेट में अब तो कोई हरियाणा से आ जाता है, कोई झारखंड से आ गया है। सीबीआई के बड़े अधिकारी हैं जिनका बच्चा तो आजकल कप्तानी भी कर रहा है और 2-2 जगह पर खेल रहा है। बच्चा अच्छा है तो ज़रूर खेले, लेकिन कम से कम दिल्ली के अंदर जो दस्तूर है, दिल्ली के अंदर जो कानून है कि 1 साल का कूलिंग पीरियड होगा किसी के आने से पहले, वह कुछ लगता नहीं। अंग्रेज़ों का खेल था, अंग्रेज़ों की ही दिमाग चलती है डीडीसीए में कि तुम मुझे आदमी दिखाओ मैं तुम्हें कानून बताता हूँ। तो माननीय बिशन सिंह बेदी जी खड़े हुए हैं, हम सभी क्रिकेटर्स में ये हर्ष की लहर है, और सबसे पहले तो ये हमारी मॉरल विक्ट्री है क्योंकि इसने अब सोचने के लिए सभी डीडीसीए के लोगों को मजबूर कर दिया है कि क्या किया जाए। यदि वह क्रिकेट के साथ में हैं तो माननीय बिशन सिंह बेदी जी के साथ में रहेंगे, हमको एडमिनिस्ट्रेशन वो अच्छे से चलाएं, गड़बड़ ना हो। दूसरा, क्रिकेट में जो हेरा फेरी हो रही है, लोग अपने ड्राइवर को खिलाते हैं, कोई किसी अफसर के लोगों को खिलाता है कि उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो, इसलिए हमने चाहा है कि क्रिकेट में बदलाव आना चाहिए। Have you heard of Maharana Pratap? Who did not bow in front of Akbar, he was ready to eat ghas ki roti, but never compromised with his usul. Usulon par jab aanch aaye takrana zaruri hai, jo zinda ho to fir zinda nazar aana zaruri hai. You understand that? So I am fighting for principles and I need all of you to support and help. Bahut chori holi DDCA mein, bahut badmashi holi DDCA mein, bahut bacche barbaad ho gaye DDCA mein. अब आपकी ज़रूरत है मुझे डीडीसीए में, आप सबों की।